घर पहुंचने के बाद क्या हुआ? दो चार दिन बीते, ऑफिस गया। ऑफिस में श्याम बाबा की फोटो लगी है, पेपर वेट को घुमाया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, भाई साहब आज मिलने का बोल, सर दर्द है भैया कल मिलेंगे, लोग आ रहे हैं भैया आज मिलना, सर दर्द है कल मिलेंगे। और बाबा को देखकर एक ही बात कहता है, जो पहली बार खाटू आया है ना वो क्या कहता है मालूम है, फागण मेले से जाने के बाद बाबा की फोटो को देखकर, गलती तेरी है सरकार, फागण दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है, गलती अरे अब के फागण नहीं बुलावे, अब के हो जासी तकरार, गलती तेरी है, हो गलती तेरी है। सुनो, गलती तेरी है सरकार, फागण दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है। कौन कौन बोलता है ऐसा बाबा से कि बाबा बुलाना पड़ेगा? अब देखिए, हाँ भाई एक बार रोको, एफ शार्प कर दो जल्दी से। हाँ अभी तक यदि आनंद आया तो तालियां बजानी पड़ेगी जोरदार। अब देखिए क्या हुआ, अद्भुत चीज तो अब हुई। भगत बैठा है, एक आदमी आया उसके ऑफिस में और कहने लगा, अरे भाई साहब बड़ी कृपा है आपकी बाबा पर, बाबा की आप पर बड़ी कृपा है, आपको बाबा ने खाटू बुलाया, मैं तो जा नहीं पाया, थोड़ा बताओ ना कैसा लगा, थोड़ा बताओ ना कैसा लगा दरबार, थोड़ा थोड़ा बताओ ना, थोड़ा बताओ ना, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा तो बताओ, कहीं को थो ना जा रो के देखा बेटे। अब ये भगत बोलता है टाइम नहीं है भैया, दिमाग खराब मत करो, जाओ मैं नहीं बताऊंगा। ये कहने लगा, कितने घमंडी आदमी हो यार, तुमको सेठ ने बुलाया और तुम बताने से भी इनकार कर रहे हो। बोला घमंडी नहीं हूँ भाई साहब, बहुत मुश्किल से काम धंधे में लगा हूँ, फिर छेड़ दोगे मैं फिर खाटू चला जाऊंगा। लेकिन लेकिन ये भी ठीक, ये कहने लगा, अरे कहीं कहीं देखो शाम के मेले, मन भी बतलाओ जरा, ए भाया कहीं देखो शाम के मेले, मन भी बतलाओ जरा, कैसो लाग्यो शाम हमारो, कैसो लाग्यो शाम हमारो। एक बात बताओ, श्याम बाबा के दरबार में हाथों में कितनी ताकत लेकर आए हो, हाथ उठाओ एक बार, और अब बजाना उस ताकत से ताली और कहना, माने भी समझाओ जरा, कहीं कहीं देखो श्याम के मेले, माने भी बदलाओ जरा, कहीं देखो श्याम के मेले, माने भी बदलाओ जरा, कैसो लाग्यो श्याम हमारो, कैसो कहीं कहीं बोलू, कहीं कहीं देखियो,
थे भी देखन जाओ जरा कई कई बोलू कई कई देखो थे भी देखन जाओ जरा माथो टेक के आया मैं तो माथो टेक के आया मैं तो थे भी देख के आओ जरा कई कई बोलू कई कई देखो थे भी देखन जाओ जरा सवाल पूछा कैसो थो श्रृंगार श्याम को अरे कुण से फूल को गजरो थो कुण से फूल को गजरो थो कुण से फूल को गजरो थो बोलो मारे श्याम धनी के बोलो मारे श्याम धनी के नैन में कुण सो गजरो थो अरे नैन में कुण सो गजरो थो जवाब सुनो भक्त ने जवाब दिया अरे बाग का सारा फूल भरया था कि बाग का सारा फूल भरया था और अरे मोटो ताजो गजरो थो अरे मोटो ताजो गजरो थो सारांश तो अब है कहने लगा उसके नैन में कजरे की क्या बात कर रहे हो मैंने जो उसकी नजरों में देखा वो सुनो आप भी रुक नहीं पाओगे अपनी तालियों को बजाने के लिए भक्त ने कहा बाग का सारा फूल भरा था मोटो ताजो कजरो था नैना माही करुणा भरी अरे नैना माही करुणा भरी थी और गाडो गाडो कजरो थो बाग का सारा फूल भरिया था मोटो ताजो और नैना माही करुणा भरी थी गाडो गाडो कजरो थो अंत में मेन सवाल पूछा सुनो मेन सवाल क्या था बोला चलो वो सब तो ठीक है कितना माल बटोर के लाए बस के माल कौन सी गाड़ी लेकर आए बस के कितनी फैक्ट्री बस के कितने घर बस के बोला सोचा तो मैं भी था ये सब मांग कर लाऊंगा सोचा तो मैं भी था लेकिन दरबार में कुछ ऐसा देख लिया ना कि समझ में आ गया कि मांगना क्या है और क्या नहीं मांगना है मैं अगर आपकी जगह होता तो वो जो लाइन आई थी ना कि नैना माई करुणा भरी थी उसमें ज्यादा ताली बजाता ये उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अभी जो आएगी वो बहुत बड़ी बात है उसमें बजाना ताली है सुनो भक्त ने कहा मैं सोच कर गया था कि मैं भी गाड़ी बंगला मांगूंगा पर दरबार में मैंने थोड़ी सी जगह बना दो दरबार में मैंने कुछ ऐसा देख लिया भाई कि मैं उस दिन समझ गया कि दातार का दरबार आधुनिक चीजों को मांगने के लिए नहीं है इन मॉनेटरी चीजों को मांगने के लिए नहीं है क्या देखा मैंने दरबार में सुनो अगर आपको लगे कि शुभम रूपम ने कुछ तो कृपा कमाई कृपा इससे अर्जित की है तो ही बजाना तालियां नहीं तो कोई बात नहीं जितना सम्मान आप दोगे उतना हम लेकर जाएंगे लेकिन सुनो भक्त ने क्या कहा ऐसा क्या देखा जो भक्त गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री गाड़ी सब कुछ मांगना भूल गया उसने कहा अरे पांघणिया ने नाच तो देखियो कि पांघणिया ने नाच तो देखियो श्याम धनी के द्वार पे अरे श्याम धनी के द्वार पे जो चल भी नहीं सकता उसे नाचते देखा इसके दरबार में एक बार गाओ ना पांघणिया ने नाच श्याम धनी के द्वार और अर्जी बोले रयो थो गूंगो अरे अर्जी गूंगो
सांवरिए के कान में, सांवरिए के कान में, सुध बुध खोकर आया मैं तो, सुध बुध खोकर आया मैं तो। पिक्चर हो गई, कैसी लगी वो तो मुझे नहीं पता, पर दरबार में इतना पता है, इतना पता है कि आप जयपुर वाले और जितने लोग यहाँ आए हैं उनकी तरफ से मैं एक वादा करने जा रहा हूँ बाबा को, जो आपको पूरा करना है। करोगे वादा? बोलो कर दो। पूरा करोगे ना मेरा वादा? बोलो कर दो, जोर से बोलो कर दो, जोर से बोलो कर दो। वादा ये है कि बाबा आज दरबार में बैठा हर एक व्यक्ति अगले एक मिनट ऐसी तानियां बजाएगा जो तू अगले सालों तक भूल नहीं पाएगा। एक मिनट पहले हाथ उठाओ, पूरे पूरे हाथ, और अपना वादा पूरा करने के लिए शुद्ध बुद्ध खो कर आया मैं तो, शुद्ध बुद्ध खो कर आया मैं तो, ये भी खो कर शाम के दरबार में आए हो, कितनी ताकत से तालियां बजा सकते हो? दोनों हाथ उठा के। पिक्चर का अंत उस भजन से करेंगे जो हर एक प्रेमी लाइन में गाता है, पूरे पूरे हाथ उठाकर। शाम बाबा की जय, खटू वाले की जय, शाम बाबा की जय, खटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियो शाम बाबा की जय, शाम बाबा की जय, खटू वाले की जय, शाम बाबा की जय, खटू वाले की जय, हो बोलो बोलो प्रेमियो शाम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियो शाम बाबा की जय।